हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास नाइन्थ का टॉपिक जिसका नाम है एक्सेलरेशन एंड इट्स टाइप्स। पहला ही चैप्टर है हमारा जिसका नाम क्या है, मोशन। अब मोशन से रिलेटेड और भी कई सारे वीडियो हैं जो मैंने बना दिए हैं और उसकी प्लेलिस्ट भी अपने चैनल पर डली हुई है। चैनल का नाम क्या है, कॉन्सेप्चुअल फिजिक्स। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं सारे वीडियोज़ डले हुए हैं। स्पीड का भी डला है, वेलोसिटी का भी डला है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, रेस्ट एंड मोशन क्या होता है। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सेलरेशन और उसके टाइप्स के बारे में। ठीक है, तो चलिए बोल पे चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। तो सबसे पहले हेडिंग क्या है हमारी, एक्सेलरेशन एंड इट्स टाइप्स। एक्सेलरेशन एंड इट्स टाइप्स, तो ये है हमारा टॉपिक। अब बच्चों, बात आती है कि एक्सेलरेशन चीज़ क्या है, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है। एक्सेलरेशन का मतलब होता है किसी पार्टिकल की स्पीड या वेलोसिटी का बढ़ना, इनक्रीज होना। ठीक है, इसका एक अपोजिट टर्म होता है डिक्लेरेशन बोलते हैं जिसको, या फिर हम उसको रिटार्डेशन भी बोलते हैं। उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है स्पीड या वेलोसिटी का कम हो जाना, डिक्रीज हो जाना, घट जाना। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं डिक्लेरेशन, या फिर उसी को हम बोलते हैं रिटार्डेशन। बिल्कुल एक्सेलरेशन का ऑपोजिट है। आप ये भी बोल सकते हो कि नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम डिक्लेरेशन बोलते हैं। ठीक है, तो एक्सेलरेशन को हम सबसे पहले डिफाइन कर लेते हैं। इसको डिफाइन किस तरह से करते हैं, तो सबसे पहले जो हमारी हेडिंग है वो है एक्सेलरेशन। तो क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। कहने का मतलब है कि अगर वेलोसिटी का चेंजमेंट हो रहा है तो जिस रेट से वो चेंज होती है उसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन। यहाँ पे चेंज होने का सीधा सा मतलब है कि वेलोसिटी इंक्रीज ही होगी। अगर वेलोसिटी डिक्रीज होती है तो फिर हम उसको एक्सेलरेशन ना बोल के डिक्लेरेशन या फिर रिटार्डेशन बोलेंगे। ठीक है, हालांकि दोनों के मैग्नीट्यूड कैसे रहेंगे, सेम रहेंगे। एक्सेलरेशन हो या डिक्लेरेशन हो, मैग्नीट्यूड दोनों के सेम है। बट यहाँ पर बात है माइनस की। ठीक है, कि नेगेटिव एक्सेलरेशन अगर हो गया तो उसको हम क्या बोल देते हैं, डिक्लेरेशन बोल देते हैं या फिर उसको हम रिटार्डेशन बोल देते हैं। सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। एक्सेलरेशन को हम डिनोट किस चीज़ से करते हैं, इट इज़ डिनोटेड बाय, इट इज़ डिनोटेड बाय स्मॉल ए। बच्चों, इसको जो एक्सेलरेशन है हमारा उसको हम स्मॉल ए से डिनोट करते हैं। कैसे डिनोट करते हैं, स्मॉल ए से डिनोट करते हैं। अब फॉर्मूला हम क्या लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी। फॉर्मूला हो जाएगा हमारा चेंज इन वेलोसिटी और अपॉन में क्या आएगा, चेंज इन टाइम। सिंपल सी बात है। ठीक है, अब चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, वेलोसिटी किसी भी चीज़ में चेंजमेंट अगर हम करते हैं तो हमें रिजल्ट क्या मिलता है, वही मिलता है। किसी पार्टिकल की वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड थी, उसकी वेलोसिटी कुछ देर के बाद 15 मीटर पर सेकेंड हो गई, चेंज इन वेलोसिटी कितना हुआ। तो चेंज जो हुआ वेलोसिटी में वो भी वेलोसिटी ही तो होगा, उसका यूनिट भी वही होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, वेलोसिटी, और चेंज इन टाइम का मतलब क्या होता है, टाइम। ठीक, तो ये हमारा फॉर्मूला होता है एक्सेलरेशन का। ये एक सिंपल सा फॉर्मूला है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। ठीक है, ये को यहाँ पे मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि जब भी बात रेट की होती है तो हमें टाइम से ही डिवाइड करना होगा। तो यहाँ पे देखो आप, टाइम से डिवाइड हो रहा है। ये बात मैंने लास्ट वीडियो में भी बताई हुई थी आपको कि जब भी बात किसकी होगी, रेट की बात होगी, तो हमें डिवाइड किससे करना है, टाइम से ही डिवाइड करना है। ये बात मैंने लास्ट वीडियो में बताई थी आपको, वेलोसिटी और उसके टाइप जो पढ़े थे उसमें भी मैंने ये बात आपको क्लियर की थी। ठीक है, ओके। तो बच्चों, इस फॉर्मूले की हेल्प से हम एक्सेलरेशन का क्या निकाल सकते हैं, यूनिट। तो यूनिट क्या हो जाएगा, देखो मीटर पर सेकेंड तो होता है वेलोसिटी का, लेकिन आप सोच रहे हो सर ये तो चेंज इन वेलोसिटी, अभी मैंने बताया ना कि चेंज इन वेलोसिटी का मतलब वेलोसिटी हुआ, तो जो यूनिट वेलोसिटी का है वही यूनिट चेंज इन वेलोसिटी का होगा, कितना होता है, मीटर पर सेकेंड। और यहाँ पे चेंज इन टाइम है, टाइम का मतलब क्या हो जाएगा, सेकेंड, तो ये सेकेंड इंटू सेकेंड हो गया, सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे जो हमारा यूनिट आ जाएगा फाइनली वो क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर हो गई इतनी बात, ओके।
तो ये हम लोगों ने फाइंड किया है यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो कि एक्सेलरेशन का यूनिट हमारा आ चुका है। ओके, अब हम बात करते हैं कि ये क्वांटिटी कैसी है, स्केलर है या वेक्टर है। तो बच्चों, जो हमारा एक्सेलरेशन होता है ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, बिकॉज इसके पास हमें पता है कि डायरेक्शन होता है, क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है वेलोसिटी की। बात किसकी हो रही है? वेलोसिटी की। वेलोसिटी में जो चेंजमेंट होगा तो उसका जो रेट होता है उसको हम एक्सेलरेशन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जब वेलोसिटी है, वेलोसिटी वेक्टर होता है, तो उसकी वजह से एक्सेलरेशन भी कैसा होगा? वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। क्लियर हो गई? अब बात आती है सर कि अगर एक्सेलरेशन वेक्टर है तो फिर इसका डायरेक्शन क्या होता है? भाई वेक्टर है तो डायरेक्शन कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा। ठीक है, तो इसका क्या डायरेक्शन होता है? वेक्टर क्वांटिटी है जो एक्सेलरेशन, क्या डायरेक्शन होगा इसका? डायरेक्शन आप देखेंगे फ्रॉम इनिशियल वेलोसिटी टू फाइनल वेलोसिटी, फ्रॉम इनिशियल वेलोसिटी टू फाइनल वेलोसिटी, ये होता है एक्सेलरेशन का डायरेक्शन। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी की तरफ जो भी आप डायग्राम में या डायरेक्शन ड्रॉ करेंगे, वो डायरेक्शन हमें किस चीज़ की मिलेगी? एक्सेलरेशन की डायरेक्शन मिल जाएगी। इसको आप जब उल्टा कर देंगे इस डायरेक्शन को, तो आपको डायरेक्शन किसकी मिल जाएगी? रिटार्डेशन की डायरेक्शन मिल जाएगी। ठीक है, तो एक चीज़ और लिख देता हूँ यहाँ पे नोट करके। चलो पहले आप इतना नोट कर लें, फिर आगे इसमें देखते हैं। देख लो जल्दी से, फटाक से, कोई भी दिक्कत है तो डाउट क्लियर कर लो, आप पूछ सकते हो अगर कोई भी दिक्कत आ रही है तो। ठीक है, वैसे मेरे ख्याल से दिक्कत तो नहीं आनी चाहिए आप लोगों को, सिंपल है क्योंकि ये टॉपिक बहुत ज़्यादा सिंपल है। देख लो भाई, हो गया नोट जल्दी से? देखें भाई, जल्दी से नोट करें, फास्ट, बिल्कुल जल्दी जल्दी। ठीक है, क्लियर हो गया ना इतना? ओके, चलो अब बढ़ते हैं आगे। तो ये तो हो गया एक्सेलरेशन, अब हम बात करते हैं रिटार्डेशन की। अब हम किसकी बात करेंगे? रिटार्डेशन की। भाई रिटार्डेशन क्या होता है? ठीक है, तो रिटार्डेशन में सिंपल सा टॉपिक है, बता देता हूँ आपको रिटार्डेशन क्या होता है। रिटार्डेशन कह दो आप, या फिर इसी को आप क्या कह दो, डिक्लेरेशन कह दो आप, एक ही बात है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता रिटार्डेशन कहें या बच्चों डिक्लेरेशन कहें, यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता। होता क्या है? नेगेटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन इज कॉल्ड, नेगेटिव एक्सेलरेशन इज कॉल्ड रिटार्डेशन। सिंपल बात समझ गए ना, नेगेटिव एक्सेलरेशन इज कॉल्ड रिटार्डेशन। सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है? बात ये आती है मुद्दे की कि यहाँ पे सर नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब क्या है? एक नेगेटिव एक्सेलरेशन का बच्चों मतलब होता है कि अगर किसी पार्टिकल की वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर किसी पार्टिकल की वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो फिर एक्सेलरेशन नेगेटिव हो जाएगा। तो जो एक्सेलरेशन नेगेटिव हुआ है उसी को हमने रिटार्डेशन बोला है। ठीक है, बात को सुना आप गौर से। देखो, इनिशियल वेलोसिटी जो होता है, ये मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था, वेलोसिटी वाला वीडियो जब पढ़ाया हुआ था। इनिशियल वेलोसिटी को हम शो करते हैं यू से, स्मॉल यू से, याद रखोगे? ठीक है, और फाइनल वेलोसिटी जो होता है हमारा, फाइनल वेलोसिटी जो होता है इसको हम शो करते हैं वी से, स्मॉल वी से। ठीक है, अब यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है, इसका जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, इसका एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या था? चेंज इन वेलोसिटी। क्या फॉर्मूला था बच्चों? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में क्या था? चेंज इन टाइम। सिंपल सी बात है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, ये फॉर्मूला है। अब अगर चेंज इन वेलोसिटी की बात यहाँ पे हो रही है और जब बात यहाँ पे एक्सेलरेशन की हो रही है, और किसी भी चीज़ का चेंजमेंट का मतलब क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल। एक्सेलरेशन में चेंज हो रहा है तो फाइनल माइनस इनिशियल, वेलोसिटी में चेंज हो रहा है तो फाइनल माइनस इनिशियल, पोजीशन में चेंज हो रहा है तो फाइनल माइनस इनिशियल, यही तो करते हैं। किसी भी चीज़ का चेंजमेंट हमें कैलकुलेट करना है तो हम क्या करते हैं? फाइनल में से इनिशियल को माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी में जो आएगा वो क्या आएगा? फाइनल वेलोसिटी, लिख देते हैं अच्छे से, क्या आ जाएगा? फाइनल वेलोसिटी, और माइनस क्या होगा? इनिशियल वेलोसिटी। माइनस क्या हो जाएगा? इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है,
और अपॉन में टाइम है। अब फाइनल टाइम इनिशियल टाइम का कोई लॉजिक नहीं है तो इसको सिर्फ हम टाइम ही लिख दे रहे हैं, ठीक है, सिर्फ टाइम ही लिख दिया। वो तो अलग बात है टी वन और टी टू टाइम मान लो आप, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी यू माना है तो ये कहाँ माना है, एट टाइम इज इक्वल टू टी वन, ऐसे लिख सकते हैं आप, एट टाइम इक्वल टू टी वन इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू यू, मान सकते हैं। इसको क्या मान सकते हो, एट टाइम टी टू, जब टाइम टी टू है तो उस केस में वेलोसिटी आपने वी मान ली, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, चलो लिख दो, क्या हो जाएगा, टी टू माइनस टी वन फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। अब इनकी वेलोसिटी देखते हैं तो क्या होगा, एक्सेलरेशन इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी हम लोग क्या मानते हैं, वी से शो करते हैं। इनिशियल वेलोसिटी को हम कैसे शो करते हैं, इनिशियल वेलोसिटी को हम यू से शो करते हैं। तो क्या हो जाएगा, वी माइनस यू अपॉन टी टू माइनस टी वन। तो फाइनली एक्सेलरेशन का हमारे पास ये फॉर्मूला आएगा, मतलब एक मैथमेटिकल फॉर्म अगर इसका देखा जाए तो एक्सेलरेशन का हमारे पास ये फॉर्मूला आ जाएगा। देख लो एक बार अच्छे से इसको, ठीक है, फिर इसमें आगे की चर्चा करते हैं। बताओ कोई दिक्कत हो तो देख लो भाई, बता दो, पूछ लो, कमेंट कर दो, कमेंट तुम लोग करते नहीं, लाइक करते नहीं, ठीक है, कर दिया करो, थोड़ा मोटिवेशन मिलता है जब तुम लोग लाइक और कमेंट करते हो। तो हम लोग जो वीडियो वगैरह बनाते ना तो हमें थोड़ा सा क्या होता है, मोटिवेशन मिलता है कि हाँ चलो हम लोग अगर मेहनत कर रहे हैं तो बच्चे देख रहे हैं वीडियो को, ठीक है। तो लाइक वाइक कर दिया करो अपने हिसाब से देख के, अगर तुम्हें ठीक लगे तो, नहीं तो फिर कोई बात नहीं। तो ये हम लोगों ने फॉर्मूला निकाला है एक्सेलरेशन का, वी माइनस यू अपॉन टी टू माइनस टी वन, ठीक है, ओके। अब इसमें हम बात करते हैं आगे, तो पहले इतना नोट हो गया कि नहीं, देख लो अच्छे से नोट कर लो, ठीक है, सब अच्छे से नोट करना, क्लियर होना चाहिए, नोट्स प्रॉपर बनने चाहिए, ठीक है, नोट्स बिल्कुल बनाते रहना टाइम टू टाइम, क्योंकि नोट्स ही काम आएंगे तुम्हारे पास, ठीक है, चलो। तो अब मतलब क्या है आगे का, आगे का सीन क्या है देखते हैं, ठीक है। देखो भाई आगे का सीन हमारा ये है कि अब यहाँ पे जो एक्सेलरेशन हम लोगों ने फाइंड किया है, ए इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी टू माइनस टी वन, ये हम लोगों ने एक्सेलरेशन फाइंड किया, ठीक है। अब सुनना बात को, अगर वेलोसिटी चलो लिख लेते हैं, इफ वेलोसिटी इंक्रीजिंग, अगर मान लो वेलोसिटी इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग वेलोसिटी का मतलब है कि वेलोसिटी बढ़ती चली जा रही। अब अगर वेलोसिटी बच्चों बढ़ती चली जाएगी तो फिर इनिशियल वेलोसिटी जो है वो फाइनल वेलोसिटी से कम रहेगा। वेलोसिटी अगर बढ़ेगी तो फाइनल वेलोसिटी ज़्यादा रहेगी हमेशा इनिशियल से। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, देन वी इज ऑलवेज ग्रेटर देन यू, हाँ या ना, बिल्कुल होगा ऐसा यार, वेलोसिटी अगर इंक्रीजिंग है तो फिर वी जो होगा वो यू से हमेशा ज़्यादा होगा, ठीक है। अब अगर v जो है वो अगर u से हमेशा ज़्यादा होगा तो इस केस में हम क्या लिख सकते हैं, जो एक्सेलरेशन आएगा वो कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा कि नहीं आएगा, पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पे v की वैल्यू ज़्यादा है, u की वैल्यू कम है। जैसे मान लो कि v है हमारा 10 या 15 और u है हमारा 4, ठीक है। आप जब यहाँ पे v माइनस यू करेंगे तो 15 माइनस 4 करोगे तो ये हमेशा कैसा आएगा, पॉजिटिव का 11 आएगा, ठीक है। अब इसके बाद दूसरा केस जो है हमारा वो क्या है, इफ़ वेलोसिटी जो है वो डिक्रीजिंग है, मान लो अगर वेलोसिटी कैसी है, डिक्रीजिंग है, तो डिक्रीजिंग वेलोसिटी का मतलब क्या हो जाएगा कि इनिशियल वेलोसिटी जो है वो फाइनल से कैसी है, ज़्यादा, इनिशियल अब ज़्यादा हो गई, क्योंकि वेलोसिटी डिक्रीज होने का मतलब क्या होता है बच्चों, कि फाइनल वेलोसिटी कम है, इनिशियल वेलोसिटी कैसी है ज़्यादा है, और फाइनल वेलोसिटी कैसी है, कम। तो कहने का मतलब ये हो गया मेरा कि यहाँ पे जो v है वो u से कैसा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, और जब v जो है वो u से छोटा हो जाएगा अगर, तो इस केस में हमारा जो एक्सेलरेशन आएगा वो कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा ना। कहने का मतलब क्या है, सुनो, कहने का मतलब ये है कि इस केस में जो v है, मान लो वो हो सकता है 4 रह गया हो, और जो इनिशियल वेलोसिटी था वो हो सकता है 15 हो। अब यहाँ पे आप जब चेंज इन वेलोसिटी करोगे, v माइनस यू करोगे, तो कितना आ जाएगा, देख लो आप, 4 माइनस 15, तो ये आ जाएगा माइनस का 11, नेगेटिव आएगा। अब यहाँ पे नेगेटिव आने का मतलब क्या है, कि ये चीज़ क्या हो रहा है, रिटार्डेशन, इसी को हम बोल देते हैं रिटार्डेशन,
रिटार्डेशन का मतलब क्या होता है, वेलोसिटी या स्पीड का डिक्रीज होना। एक्सेलरेशन का जो नेगेटिव पार्ट है उसी को हम रिटार्डेशन बोलते हैं। एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, वेलोसिटी का इंक्रीज होना, टाइम के रेट के हिसाब से वेलोसिटी बढ़ती जाएगी तो हम उसको बोल देते हैं एक्सेलरेशन, ठीक है। और अगर टाइम के रेट के हिसाब से वेलोसिटी कम होती जाएगी तो उसी को हम क्या बोल देते हैं, डिक्लेरेशन बोल देते हैं, ठीक है भाई। इतनी बात में अगर कोई डाउट है तो पूछ लो, एक बार देख लो, अच्छे से नोट कर लो, कोई दिक्कत हो तो बताओ। ठीक है भाई, तो देख लेना अच्छे से, कोई समस्या हो तो बताओ, ठीक है, नोट हो गया होगा। चलो बढ़ते हैं अब आगे, ठीक है, क्लियर है ना इतना सबको, ठीक। अब देखते हैं एक्सेलरेशन के टाइप्स के बारे में बात करते हैं कि एक्सेलरेशन जो है वो कितने टाइप का होता है। देखो, जैसे मैंने वेलोसिटी और स्पीड में बताया था तुम लोगों को कि स्पीड कितने टाइप की होती है, दो टाइप की, कौन कौन सी, एवरेज और इंस्टेंटेनियस। बिल्कुल वैसे ही मैंने बताया था वेलोसिटी के बारे में, वेलोसिटी कितने टाइप का होता है, वो भी दो टाइप का होता है, कौन कौन सा, एक होता है एवरेज, एक होता है इंस्टेंटेनियस। बिल्कुल सेम डिट्टो कॉपी है यहाँ एक्सेलरेशन में भी, एक्सेलरेशन भी कितने टाइप का होगा, दो टाइप का ही होगा, कौन कौन सा होगा, पहला होगा एवरेज एक्सेलरेशन और दूसरा कौन सा हो जाएगा हमारा, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, ठीक है, बिल्कुल सेम है, कोई घबराने की जरूरत नहीं। चलो देखते हैं, ठीक है, तो बात करते हैं टाइप्स की, ठीक है। तो टाइप जो है वो कितने टाइप के होते हैं, टू टाइप्स। एक्सेलरेशन जो है वो दो टाइप का होता है, पहला कौन सा होता है हमारा, एवरेज एक्सेलरेशन। तो पहला है हमारा एवरेज एक्सेलरेशन, ठीक है, और दूसरा कौन सा हो जाएगा हमारा, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, ये हमारा दूसरा एक्सेलरेशन होगा, ठीक है। एवरेज एक्सेलरेशन में क्या मतलब होता है एवरेज एक्सेलरेशन का, इट इज़ डिफाइंड फॉर, कई बार बता चुके हैं, दो बार तो बता ही चुके हैं कि एवरेज एक्सेलरेशन को कब डिफाइन करेंगे। सर एवरेज एक्सेलरेशन आपने नहीं बताया, आपने तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी बताया, तो बात एक ही है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। डिफाइन तीनों चीज़ों को एक ही जगह करते हैं। एवरेज का मतलब होता है जब भी बात होगी टाइम इंटरवल की, ठीक है। इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है जब भी बात होगी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम की, ठीक। एड देखे टीवी में फेयर एंड लवली का, फेयर एंड लवली लगाओ इंस्टेंट ने घर पाओ, वही वाला था। सर आपने नहीं लगाई, लगाई थी, फायदा ही नहीं हुआ कुछ। तो एवरेज एक्सेलरेशन का मतलब क्या होगा, इट इज डिफाइंड फॉर टाइम इंटरवल। यानी एवरेज एक्सेलरेशन को हम बच्चों कब डिफाइन करेंगे, ओनली फॉर टाइम इंटरवल के लिए, ठीक है। जब एक सफिशिएंट टाइम इंटरवल होगा तब हम डिफाइन करेंगे एवरेज एक्सेलरेशन को। तो फॉर्मूला यहाँ पे क्या हो जाएगा, एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला तो वही रहता है, वैसे तुम्हें पता ही है क्या हो जाएगा, वही फॉर्मूला हो जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। अब चेंज को हम डेल्टा से शो कर देते हैं, किससे, डेल्टा से। इसको हम क्या पढ़ते हैं, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, क्या पढ़ते हैं, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, क्लियर है ना इतना, ओके। तो ये जो चीज़ है वो क्या हो जाएगा हमारा, एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हो जाएगा। अब बात आती है यहाँ बच्चों इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की, इसको हम कब डिफाइन करते हैं, इट इज़ डिफाइंड फॉर पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। इसको हम डिफाइन करते हैं किसी भी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट के लिए। जैसे मैंने तुम्हें एग्जांपल से भी बताया था, कोई पार्टिकल मान के चलो 12:30 से अपनी मोशन को स्टार्ट करता है, मान लो 2 बजे तक वो चलता है, ठीक है। अब ये तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि 12:30 से उसने अपनी मोशन को स्टार्ट किया, 2 बजे तक वो एक ही स्पीड से चलता रहा हो, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। कभी स्पीड को उसने बढ़ाया भी होगा, कभी स्पीड को उसने घटाया भी होगा, कभी जीरो भी की होगी स्पीड, कभी यू टर्न भी लिया होगा, सब कुछ पॉसिबल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब बात होगी 12:30 से 2 बजे तक का जो टाइम इंटरवल है, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि पार्टिकल का एक्सेलरेशन क्या है, क्या पार्टिकल का एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंट है, नहीं, बिल्कुल कॉन्स्टेंट नहीं है, ठीक है, समझ गए ना।
हो सकता है कि एक मिनट के लिए कांस्टेंट रहा हो, सेम रहा हो, हो सकता है दो मिनट के लिए सेम रहा हो, लेकिन यार डेढ़ दो घंटे की अगर ड्यूरेशन देखेंगे तो उसमें कोई भी पार्टिकल एक कंटिन्यूअस स्पीड से मूव नहीं कर सकता, ठीक है। तो फिर एक्सेलरेशन भी लगातार डेढ़ घंटे या दो घंटे की हम बात करते हैं तो फिर कांस्टेंट नहीं हो सकता। तो इस केस में हम बात करते हैं एवरेज की, यहाँ पे हम डिफाइन करते हैं एवरेज एक्सेलरेशन, ठीक है। यहीं पे अगर तुमसे पूछा जाए 12:48 पे एक्सेलरेशन कितना था, यहाँ तुमसे पूछा जाए 1:52 पे एक्सेलरेशन कितना था, ठीक है। यहाँ अगर तुमसे पूछा जाए कि 1:26 पे एक्सेलरेशन कितना था, तो ये होते हैं पर्टिकुलर इंस्टेंट। 12:48 एक पर्टिकुलर एक फिक्स इंस्टेंट है, एक ठीक है। 1:52 ये भी एक इंस्टेंट है, 1:26 ये भी एक इंस्टेंट है। तो यहाँ पे हम डिफाइन करते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को, ठीक है। अब इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का फॉर्मूला वही है जो मैंने स्पीड और वेलोसिटी के लिए बोला था कि फॉर्मूला यहाँ नहीं बताया जाएगा, फॉर्मूला इसका आएगा 11th क्लास में। जिसको ज़्यादा जानने की इच्छा है वो 11th की प्लेलिस्ट में जाके मोशन का ये वाला वीडियो देख लेना, तो उसको वहाँ पे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पता चल जाएगा, क्योंकि उसमें मैथमेटिक्स यूज़ होगी बहुत ज़्यादा, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन वगैरह, तो वो तुम्हें अभी तो समझ में आएंगे नहीं, इसलिए यहाँ पे इंस्टेंटेनियस का फॉर्मूला कोई बताने का लॉजिक नहीं है, ठीक है। इतनी बात में कोई डाउट हो तो बताओ भाई, इस बार इसको देख लो अच्छे से, कोई भी दिक्कत हो तो बता दो। देख लो जल्दी से, नोट करो फास्ट, कोई भी दिक्कत है तो बताओ। हो गया भाई, देख लो अच्छे से, नोट कर लो। समस्या कोई समस्या नहीं, कोई समस्या नहीं। चलो अब देख लेते हैं इस पर एक आध क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। सिंपल से न्यूमेरिकल सवाल देख लेते हैं, सवाल एक आध। तो फॉर्मूला तुम समझ गए, एक्सेलरेशन के लिए हमें फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करना है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, v-u/t। v मतलब फाइनल वेलोसिटी, u मतलब इनिशियल वेलोसिटी, t मतलब वेलोसिटी का u से v होने में कितना टाइम लगा। मुंह उठा के टाइम ना बोला करो अकेला, ठीक है। वेलोसिटी जब u से v हुई है तो उसको टाइम कितना लगा u से v होने में, वो टाइम है यहाँ पे, समझ गए ना बात को, ठीक है। अब हम बात करते हैं, एक सिंपल सा क्वेश्चन देख लेते हैं इस पर। पार्टिकल, पार्टिकल से बड़ा प्यार है सर आपको, पूरे मोशन में पार्टिकल पार्टिकल चल रहा है। अ पार्टिकल मूव्स विद वेलोसिटी, अ पार्टिकल मूव्स विद वेलोसिटी 5 meters per second, 5 meters per second after 2 seconds its velocity becomes 15 meters per second. Find its acceleration। बच्चों एक चीज़ इसमें याद रखना कि यहाँ पे देखो गिवन तो नहीं है, लेकिन तुम्हें एक वो अंडरस्टूड वाली बात होती है, एक अंडरस्टैंडिंग वाली बात होती है कि यहाँ पे मैंने ये तो बताया नहीं कि एक्सेलरेशन कैसा है, कांस्टेंट है या क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे आप यही मान के चलेंगे कि पार्टिकल का एक्सेलरेशन हमेशा कांस्टेंट है, ठीक है। तुम्हारे में वेरिएबल है भी नहीं, जब तुम 11th में जब तुम पढ़ोगे ना तब तुम्हें थोड़ा बहुत वेरिएबल का बताएंगे, अभी तो है भी नहीं। तो सिंपल सा है यार, सॉल्यूशन क्या हो जाएगा इसका, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, आंसर देख लो एक बार, सॉल्व कर लो, ठीक है। वीडियो पॉज तो तुम कर नहीं पाओगे, बुते नहीं तुम्हारे, चलेगा प्रीमियर, पॉज कहाँ से करोगे, ठीक है। पॉज कर भी लोगे तो निकाल नहीं पाओगे, करो इसको सॉल्व करो, बताओ आंसर कितना आ रहा, आंसर बताओ जल्दी कितना आ रहा, बताओ भाई आंसर कितना आ रहा, जल्दी बताओ फास्ट। देखो करते हैं, a इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी होता है यार, v कितना है 15, बाद में कितनी वेलोसिटी हो गई वो v होता है, चाहे वो कम हो चाहे वो ज़्यादा हो, बाद में कितनी हो गई कुछ टाइम बाद, तो v हो गया हमारे पास 15, u हो गया हमारे पास 5, टाइम हो गया हमारे पास 2, 15 में से 5 घटा लेते ना घटा पाते हो, देखो सिखाएं, 15 लाइन खींचो पहले,
तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह, पंद्रह लाइन खींच लिया से, ठीक है। अब इसमें से पाँच घटाना है, तो पाँच कैसे घटाओगे, पाँच लाइनें इसमें से काट दोगे, पाँच लाइनें इसमें से काट दोगे, तो एक दो तीन चार पाँच लाइनें इसमें से कट गई। अब कितनी बची लाइन गिन लो, वही आंसर है, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस, वाह सही आ गया, सही आ गया। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10 बटे 2 यानी 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बच्चों ये आ जाएगा हमारा प्यारा सा आंसर, कितना सिंपल है, देख लो एक बार जल्दी इस पटाख से। एक क्वेश्चन बस और करेंगे आज का, लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, सिंपल सा बिल्कुल क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद ये टॉपिक हो जाएगा हमारा ख़त्म, ठीक है, इसके बाद हो जाएगा टॉपिक हमारा ये ख़त्म। चलो मिटा दें, देख लो एक बार जल्दी से मिटा दें, ठीक है ओके, देखते हैं आगे। चलो देखते हैं क्वेश्चन, बताओ भाई करके सॉल्व करो इसको। क्वेश्चन है द वेलोसिटी ऑफ एनी पार्टिकल, सर पार्टिकल से बड़ा प्यार है, द वेलोसिटी ऑफ एनी पार्टिकल चेंजेस टू 18 km/h इन 5 सेकेंड, फाइंड इट्स एक्सेलरेशन। निकाल लो भाई, सिंपल है ना, वेलोसिटी दी गई है, टाइम दिया गया है, निकाल दो आंसर आ जाएगा। नहीं कमेंट करो, कमेंट है जल्दी बताओ आंसर, किन किन के आंसर आ गए भाई, कर दो जल्दी कर दो, कितना आ रहा भाई आंसर इसका, है बच्चों सिंपल है, बहुत ज़्यादा सरल है क्वेश्चन, देख एक्सेलरेशन निकालना है सर, हलुआ सवाल है, हलुआ क्यों सर, वेलोसिटी तो एक ही दी गई, हमें तो दो चाहिए थे वी और यू, हमें तो एक ही दी गई, हाँ वो ठीक है। देखो वेलोसिटी ऑफ एनी पार्टिकल चेंजेस टू 18 km/h, यानी ये पूरा हमें चेंज इन वेलोसिटी दिया गया है, ठीक है, ये हमें क्या दिया गया है, ये बच्चों हमें पूरा वी माइनस यू ही दिया है 18, चेंज इन वेलोसिटी, भाई वी माइनस यू का मतलब क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी होता है, ठीक है, तो ये हमें पूरा दिया गया 18, लिखो 18, ये हो गया वी माइनस यू। अपॉन में हमें रखना टाइम को, टाइम हमें कितना दिया था 5, बिल्कुल रखो 5, सॉल्व कर लिया होगा, आंसर आ गया होगा, कबाड़ी, अरे यार ये है km/h में, ये है सेकेंड में, या तो इसको चेंज करो मीटर पर सेकेंड में, या इसको चेंज करो आवर्स में, तो इसको ही चेंज कर लेते, सरल होगा थोड़ा, करो 18 km/h में जब हम 5/18, ये बचपना होता है, बचपन में किए हैं सबने, 5/18 से जब हम गुणा कर देंगे ना तो कितना आ जाएगा, मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, 5 मीटर पर सेकेंड, ये आ गया मीटर पर सेकंड में, 18 नहीं रख सकते यहाँ, क्यों, क्योंकि वो के एम पर आर में, टाइम सेकंड में, 18 कैसे रख दोगे, तो यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी कितना हो गया 5, टाइम भी कितना था 5, तो एक्सेलरेशन जो है वो कितना आ जाएगा 1 m/s², ये आ जाएगा हमारा आंसर, ठीक है सिंपल, ओके तो फिर ठीक है भाई, आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, अब मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, ग्राफिकल मेथड कुछ बताएंगे, ग्राफ के बारे में बताएंगे आपको कि कौन सा ग्राफ कैसे बनता है, और कुछ इक्वेशन ऑफ मोशन जो होती हैं हमारी उनके डेरिवेशन भी देखेंगे, ठीक है, तब तक अच्छे से पढ़ाई करते रहें, ख्याल रखें, थैंक यू वेरी मच।